बाधाओं से घबराए नहीं, इन्हें अपनाएं। बाधाएं सृजनात्मक होती हैं जिससे आप सफल उद्यमी बनते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम आलोक सिंह है। आप सबका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल उद्योग धंधा में स्वागत करता हूं। सफल उद्यमी से याद आया, आज उद्यमिता विकास की चौथी कड़ी है। उद्योग धंधा चैनल के माध्यम से उद्यमी गुणों पर आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपसे एक गुजारिश, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए लगातार वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। अपने विचार को जरूर प्रस्तुत करें कि आपको ये जानकारी कैसी लग रही है। उद्यम तो सब स्थापित करते हैं, लेकिन सफल कुछ ही लोग हो पाते हैं। उसका मुख्य कारण है उद्यमी गुणों का होना। पहले एक अवधारणा चला करती रही कि उद्यमी जो है तो किसी विशेष स्थान, जाति, परिवार या क्षेत्र पर निर्भर करता है, लेकिन आज ये अवधारणा आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उद्यमी बन सकता है यदि उसके अंदर उद्यमी के गुण मौजूद हैं। अगर मान लीजिए कि आपके अंदर उद्यमी गुण नहीं है, तो सतत अभ्यास तथा नियमों को अपनाकर आप उद्यमी गुणों का विकास कर सकते हैं। लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि जिस अनुपात में आपके अंदर उद्यमी गुण होंगे, वही निर्भर करेगा कि आप सफल होंगे या असफल होंगे। आज मैं आपको उद्यमी गुणों के 15 विशेषताओं के बारे में बताने वाला हूं। नंबर एक है उपलब्धि की चाह रखना। सफल उद्यमी का पहला कदम होता है वो आम नहीं, वो खास होता है। उपलब्धि स्वयं से किया हुआ एक वादा है जिसे आप निभाते हैं। आप छोटे छोटे चैलेंज लेकर सफल उद्यमी के गुणों का विकास कर सकते हैं। ठीक खेल की तरह है। जब आप बचपन में खेला करते रहे तो सकारात्मक भावना के साथ प्रतिद्वंदी को हराना आपका लक्ष्य था। ठीक उसी तरह आप देखिए कि एक सफल रणनीतिकार, एक सफल व्यक्ति जो है तो उत्पाद को मार्केट में बेहतर रणनीति के साथ ग्राहकों तक पहुंचाता है तथा प्रतिद्वंदी के कमियों को खोजता है और उस अपने उत्पाद में उन कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास करता है। नंबर दूसरा है अपनी क्षमता अनुसार जोखिम लेना। बात उस समय की थी जब मेरी एज 14-15 वर्ष की थी। उस समय हम लोग जो है तो गांव में खेला करते रहे। हम लोगों की एक ग्रुप बना हुआ था, उसमें से कई ऐसे शैतान बच्चे भी थे जो लोगों को सताने का भी काम करते रहे। हमारे ग्रुप में हमारे ही एज के मानसिक रूप से कमजोर जबर सिंह के बारे में कुछ ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे जबर सिंह की मृत्यु हो जाती है। दरअसल होता क्या है, होता ये है कि जबर सिंह जब खेलने आते हैं तो कई दोस्त अलग अलग ग्रुपों में बढ़ जाते हैं। कुछ दोस्त कहते हैं जबर सिंह वास्तव में अगर तुम जबर हो तो तुम इस खाली कुएं में, जिस कुएं में पानी नहीं है, तुम कूद कर दिखाओ। जबर सिंह को लगता है कि मैं कूद जाऊंगा। कुछ कहते हैं नहीं जबर सिंह, तुम नहीं कूद सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत थोड़ी है। जबर सिंह को अपने ताकत का ऐसा लगता है कि नहीं मैं कूद सकता हूं, और जबर सिंह कूद जाते हैं और वहीं पर जबर सिंह की मृत्यु हो जाती है। जबर सिंह को अपने शारीरिक क्षमता का ज्ञान नहीं था। ठीक इसी तरह हमारे ऐसे उद्यमी होते हैं जिनको अपने आर्थिक क्षमता का ज्ञान नहीं होता है। आर्थिक क्षमता का ज्ञान ना होने के कारण उनको अपने बिजनेस में नुकसान होता है। आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि बिजनेस उतार चढ़ाव का एक बहुत बड़ा दौर होता है, इसलिए हमेशा अपने आर्थिक क्षमता के आकलन के अनुसार ही काम करें। जैसे मान लीजिए आपने कोई बिजनेस शुरू किया है, उसमें 10 लाख रुपए आपकी आर्थिक क्षमता है तो 7 लाख रुपए ही लगाइए और 3 लाख रुपए आप बैकअप के लिए रख लीजिए। ठीक इस तरह जैसे आपके घर में लाइट चली जाती है तो आपके यहाँ इन्वर्टर बैटरी होता है जो लाइट के लिए बैकअप देता है। जब लाइट गोल होगी तो उसके माध्यम से आप बिजली प्राप्त करते हैं। ठीक इसी तरह जब आप बिजनेस करें तो कुछ पूंजी लगाएं और कुछ बैकअप में रखकर काम करें। नंबर तीसरा है सकारात्मक विचार। विचार ही संसार में सबसे महान होता है, इसलिए कहा जाता है जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। विचार हर व्यक्ति के मन में आता है, सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार। नकारात्मक विचारों से हमारी ऊर्जा ज़्यादा खपत होती है, जिस कारण से थकान, कमजोरी और चिड़चिड़ापन होता है। इसके विपरीत यदि हम सकारात्मक विचारों की बात करें तो सकारात्मक विचार से हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिस कारण से हमारे अंदर आत्मविश्वास तथा आत्मकुशलता का बढ़ावा मिलता है। एक उद्यमी का व्यवसाय समुद्र के लहरों की भांति अप डाउन, ऊपर नीचे होता रहता है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि सही समय पर सही उत्पाद के अवसरों को पहचान करना है। यदि एक बार कुछ कारण से आपके बिजनेस में नुकसान हो गया है
तो दोबारा प्रयास कर आप लाभ कमा सकते हैं। इसलिए हमेशा घबराना नहीं चाहिए, जोश और जुनून को बनाए रखना चाहिए और आप सफल व्यक्ति विचार करके अपने बिजनेस के प्रति सकारात्मक रवैया, अपने बारे में सकारात्मक रवैया रखकर आप सफल उद्यमी बन सकते हैं। आप कमेंट करिएगा कि ऐसे कितने उद्यमी हैं जिन्होंने बिजनेस किया, उनको नुकसान हुआ और इसके बाद उन्होंने पुनः बिजनेस का स्टार्टअप कर अच्छा फायदा कमाया है। नंबर चौथा है स्वयं प्रयास करने वाला और पहल करने वाला। एक बार प्रशिक्षण सत्र समाप्ति होने पर कुछ लड़कों का ग्रुप जो है तो हमारे केबिन के पीछे आवाज आ रही थी जिसमें कह रहे थे कि पहले आप बात करो। दूसरा लड़का कह रहा था पहले आप बात करो। मैंने सुना, उन बच्चों को अपने यहां बुलाया और उनकी समस्या का समाधान किया। हमारी आदत पड़ गई है कि दूसरे के कंधे में रखकर बंदूक चलाने की, जबकि हकीकत यह है कि सफल उद्यमी वही होता है जो पहल करता है। पहल करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। भारत में आकाश अंबानी और मुकेश अंबानी को सभी जानते हैं, क्योंकि टेलीकॉम क्षेत्र में 4G डिजिटल क्रांति के रूप में नए उत्पाद तथा नई सेवाओं के रूप में पहल करने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सही रणनीति अपनाकर एक नई क्रांति लाकर। नंबर पांचवा है समस्याओं का समाधान खोजने वाला व्यक्ति। दुनिया में तीन तरह के व्यक्ति होते हैं। नंबर एक होता है समस्याओं से हल निकालने में विश्वास रखने वाला व्यक्ति। नंबर दूसरा होता है समस्याओं को हटाने वाला, टालने वाला या समस्याओं से भागने वाला व्यक्ति। और नंबर तीसरा होता है जो स्वयं के लिए और दूसरों के लिए समस्या खड़ी करने वाला व्यक्ति। उद्यमशील व्यक्ति हमेशा समस्याओं से हल निकालता है, क्योंकि समस्याओं से ही नए इनोवेशन तैयार होते हैं। जितने भी आविष्कार आज आप सब देख रहे हैं, जिसका आप उपयोग कर रहे हैं, वो सभी कहीं ना कहीं समस्याओं से खोजे गए हैं। आप एक विचार करिएगा, आपके यहाँ मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार, कुछ भी होगा, आप लैपटॉप या मोबाइल यूज करते हैं, या घर में जो भी उत्पाद आप उपयोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं समस्याओं से निकला हुआ चीज है और उन समस्याओं के निदान में ही इनोवेशन तैयार हुआ। इसलिए सफल उद्यमी वही हो सकता है जो समस्याओं से घबराता नहीं है, समस्याओं से भागता नहीं है, बल्कि उसका विकल्प निकालकर बेहतर तरीके से काम करता है। आप देखिए कोविड के कारण कितनी समस्याएं आई, लेकिन जो सफल व्यक्ति रहा वो कोविड में भी फायदा निकाल गया। इसलिए यदि कभी समस्याएं आए तो घबराएं नहीं, उनका सामना करें और आप स्वागत करें उन समस्याओं का। नंबर छठवां है भविष्य के प्रति आशावान होना। सकारात्मक आशाएं जो है तो हमें लक्ष्य तक पहुंचने में पूरा मार्गदर्शन देती हैं, पूरी भूमिका निभाती हैं। आज व्याप्त भ्रष्टाचार है, कई जटिलताएं हैं, वातावरण जो है तो प्रतिकूल है, इसके बावजूद जो है तो विभिन्न समस्याओं का हल ढूंढते हुए एक सफल उद्यमी अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से संचालित करते हैं। हमारे प्रथम पीढ़ी के उद्यमी मजबूत इरादे के साथ खुद के दम पर बिजनेस का संचालन करते हैं। यदि आज कुछ कारणवश उद्यम की गति नहीं मिलती है तो कल उस बिजनेस में गति मिलेगी, वो इस विचार के साथ दृढ़ रहते हैं। आपको याद रखना है कि यह एक कर्म युद्ध है, इसलिए इस कर्म युद्ध से ना हार माननी है ना भागना है, बस अपने कर्म युद्ध में आशाओं के साथ डटे रहना है। हो सकता है कि एक बार आपसे कुछ गलती हो गई हो, इस कारण से बिजनेस आपका प्रभावित हुआ हो, उस गलती को आपको दोहराना नहीं है, बल्कि उससे अनुभव प्राप्त कर अपने बिजनेस को और बेहतर तरीके से संचालित करना है। नंबर सातवां है वातावरण को समझने की क्षमता। एक सफल उद्यमी जो है तो वातावरण का विश्लेषण करते रहते हैं, वो हमेशा अपने आसपास के वातावरण के अनुसार सूचनाओं को एकत्रित करते रहते हैं, जिससे वे उद्यम से संबंधित नीतियों का निर्माण कर सकें तथा कुछ नीतियों में परिवर्तन कर सकें। अपनी योजनाएं इस तरह से बनाते रहते हैं और उद्यम का संचालन करते हैं। जैसे आज टेक्नोलॉजी का समय आ गया है, इस टेक्नोलॉजी के कारण हमारे बहुत सारे ऐसे उद्यमी भाई हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आ गए हैं, वो पहले ऑफलाइन थे ताकि ग्राहकों को अपने उत्पाद बेहतर तरीके से सरलता से पहुँचा सकें। ऐसे ही आप अपने वातावरण का आकलन करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आप अपने ग्राहकों के बारे में क्या जानते हैं, ग्राहकों की रुचि क्या है, उस अनुसार अपनी नीतियों को तैयार करते हैं। नंबर आठवां है लक्ष्य निर्धारित करना और उसकी समय सीमा पर पूरा करना। एक सफल उद्यमी प्रतिदिन, प्रति सप्ताह,
प्रतिवर्ष। ऐसे करके दीर्घकालीन एक कार्य योजना तैयार करते हैं और उस कार्य योजना के समय सीमा भी बनाते हैं और नियत समय सीमा पर अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं। आपको भी एक डेली डायरी तैयार करनी होगी, उसमें छोटे छोटे लक्ष्यों को लिखना होगा और उन लक्ष्यों को पूरा करना होगा। संपूर्ण कार्य योजनाओं के कार्यों को आप विश्लेषित करिए, छोटे छोटे भागों में विभाजित करिए। एक सफल उद्यमी समय पर उचित निर्णय लेते हैं, उचित समय पर उचित निर्णय लेते हैं। उचित निर्णय लेने के कारण उनके अंदर ऐसी क्षमता आ जाती है जो सही अवसरों की वो पहचान कर लेते हैं। नंबर 9 है अवसरों को समझने की क्षमता। एक सफल उद्यमी जो है तो अवसरों को समझने की क्षमता उसके अंदर विद्वान होती है, वो तुरंत उसका लाभ उठाता है, इसलिए तो वो सफल उद्यमी बन जाता है। इस उद्यमी गुणों का विकास आप कर सकते हैं। आप जैसे बाबा रामदेव को देखिए, बाबा रामदेव ने कोविड के अवसरों को पहचान करते हुए कोरोना किट निकाला था जिसका नाम रखा था कोरोनील, बाजार में उतारा, खूब बिका और खूब उन्होंने पैसे भी कमाए। ठीक इसी तरह जब सरकार द्वारा मैगी नूडल्स को बंद किया गया, बैन किया गया, तो बाबा रामदेव ने पतंजलि नूडल्स को बाजार में लॉन्च किया था और उसमें भी खूब पैसा कमाया था। कोविड काल में हमारे बहुत सारे उद्यमी भाई सैनिटाइजर, मास्क, दवाई इत्यादि की सेवाएँ देकर बहुत अच्छा पैसा कमाए थे। आपको करना कि आपको वातावरण का विश्लेषित करना है और सही अवसर की पहचान करनी है ताकि आप एक सफल उद्यमी बन सके। नंबर 10 है सूचनाओं को एकत्रित करने वाला व्यक्ति। व्यक्तियों की सफलता में सूचना का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। जिस व्यक्ति के सूचना तंत्र सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं वो हमेशा उच्च श्रेणी के कार्य करते हुए सफल होते हैं। सूचनाओं में आप आज इंटरनेट, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए बेहतर तरीके से उत्पाद का बना सकते हैं। बस आपको क्या है, अपनी सूचना तंत्र को मजबूत रखनी है और सूचनाओं को एकत्रित करने की क्षमता आपको पैदा करनी है। क्षमता आप बनाइए ताकि आप सफल हो सके। इसी के माध्यम से, इसी सूचना तंत्र को अपनाकर आप नए उत्पाद मार्केट में ला सकते हैं, ग्राहकों की रुचि को समझ सकते हैं। नंबर 11 है उच्च श्रेणी का कार्य करने वाला व्यक्ति। एक सफल उद्यमी की पहचान उसके कार्यों से होती है, इसलिए सफल उद्यमी हमेशा अपने कार्यों के प्रति बहुत सर्वश्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास करते हैं, सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं। वे हमेशा अपने उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता नहीं करते, वो अपडेट रहते हैं। आज नेटवर्क मार्केट में एमवे बिजनेस को देख लीजिए, भारत का लगातार नंबर 1 ब्रांड बने रहने का एकमात्र कारण है उच्च कोटि के उत्पाद ग्राहकों तक उपलब्ध कराना। वो हमेशा R&D करते रहते हैं जिससे अपने उत्पाद में सुधार कर सके। नंबर 12 है प्रभावी नीति बनाने वाला व्यक्ति। एक सफल उद्यमी उत्पाद के माध्यम से ग्राहकों को पहुंचाने के लिए प्रभावी नीतियों का निर्माण करते हैं जिससे ग्राहक प्रभावित होकर उनके उत्पाद को खरीद सकें। बड़ी बड़ी कंपनियां, फिल्म उद्योग और खेल उद्योग के बड़े पहचान वाले, जिनको हम सेलिब्रिटी कहते हैं, अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार करवाती है जिससे हम सब कन्विंस होकर उन उत्पादों को खरीदते हैं। जैसे एक्वागार्ड में देख लीजिए माधुरी दीक्षित में, केंट को आप हेमा मालिनी में देखिए, कैडबरी में अमिताभ बच्चन को देखिए, हेल्थ ड्रिंक में सचिन तेंदुलकर और रिवाइटल का प्रचार करते हुए अक्षय कुमार। ये सब ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्पाद का प्रचार करते हैं और हम कन्विंस होकर खरीद सकते हैं। आप अपने स्थानीय तौर पर स्थानीय प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं जिससे आपके उत्पाद अधिक से अधिक बिके। आज YouTube के माध्यम से भी अपने उत्पादों का प्रचार प्रसार होने का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप चाहे तो उद्योग धंधा चैनल के माध्यम से भी अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार करा सकते हैं। नंबर 13 है अपनी बात को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति। सफल उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण बातों में एक बात होती है अपनी बात को मनवा लेने की क्षमता। उनमें कन्विंस करने की बहुत अच्छी क्षमता विद्वान होती है, प्रभावी तरीके से तथ्यात्मक रूप से अपनी बात को रखते हैं, इसलिए वो अपने उत्पाद को बेहतर तरीके से बेच पाने में सक्षम होते हैं। आपको भी ये याद रखना पड़ेगा कि अपनी बात को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना होगा ताकि आपका उत्पाद ग्राहकों तक पहुँचे और ग्राहक उसको अधिक से अधिक उपयोग करें और आप सफल उद्यमी बने।
नंबर 14 फॉलो अप करने वाला व्यक्ति। सफल उद्यमी हमेशा ग्राहकों के प्रति बहुत सजग होते हैं, वो अपने उत्पाद के सेल के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, जैसे कि कौन सा सामान किसने खरीदा, कुल कितने ग्राहक उनके उत्पाद को खरीदते हैं, ऐसे ग्राहक कितने हैं जो पुनः उत्पाद को खरीदते हैं, ऐसे ग्राहक कितने हैं जो ग्राहकों के ग्राहक के माध्यम से आते हैं, ये सारी चीज़ों के आंकड़े वो अपने पास रखते हैं। इसके साथ साथ अपनी गुणवत्ता का भी मूल्यांकन करते रहते हैं, जिससे ग्राहकों को उच्च कोटि की सेवाएँ दे पाए। नंबर 15 है कर्मचारियों की भलाई के बारे में नीति बनाने वाला व्यक्ति। एक सफल उद्यमी हमेशा अपने कर्मचारियों की भलाई के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनकी हकीकत की पूंजी क्या है, उनकी पूंजी है कर्मचारी। यदि कर्मचारी प्रसन्न होंगे तो उत्पादकता बहुत बेहतर तरीके से आएगी। उदाहरण स्वरूप हरे कृष्णा जो हीरे के व्यापारी हैं, उनको आप देखिए, जिनका नाम है साबजी भाई ढोलकिया, ये गुजरात के रहने वाले हैं। इन्होंने कर्मचारियों को पुरस्कार स्वरूप 1200 कार गिफ्ट दिया। अब कर्मचारी क्या, कर्मचारी प्रसन्न होंगे और बेहतर तरीके से काम करेंगे, जिंदगी में उनकी कंपनी छोड़कर नहीं जाएंगे। तो आप भी अपने कर्मचारियों की भलाई के बारे में सोचकर अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने सफल उद्यमी के 15 गुणों की विशेषताओं के बारे में बताया। अब मैं आपको पांचवी कड़ी जो आपको एपिसोड लेकर आना है, उसमें हम बताएंगे कि उद्यम स्थापित करने में कौन कौन सी समस्याएं, बाधाएं और चुनौतियां आती हैं। आशा करता हूं कि आज की दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दिल खोल के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। जय हिंद।